अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गाजियाबाद जिले में प्राइवेट स्कूलों की गड़बड़ी व मनमानी की वजह से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं प्रशासन इस सब के बावजूद मूक दर्शक बना हुआ है। शनिवार को स्कूलों की मनमानी के दो मामले सामने आए। पहला मामला विजयनगर स्थित महाराजा कॉन्वेंट स्कूल का है। यहां एडमिट कार्ड न मिलने के कारण CBSE 10वीं का एग्जाम न दे पाने वाले 65 बच्चों के पेरेंट्स स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भटक रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। वहीं दूसरा केस राजनगर एक्सटेंशन स्थित GD गोयनका स्कूल का है। आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट ने एनुअल फीस न मिलने के कारण कई बच्चों को फेल कर दिया है। नाराज पेरेंट्स स्कूल के बाहर पहुंचे, लेकिन बातचीत के लिए स्कूल का दरवाजा नहीं खुला। उल्टे स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की। देखिए, वजह तो यही है कि हम लोग कानून को फॉलो कर रहे हैं और कानून कहता है कि हमें अनुचार नहीं देना है। हमारे पास स्टे है, हमारे पास ऑर्डर है 26/10 का, ठीक है। वो मैंने अभी आपको भी दिखाया, हमने स्कूल में मैनेजमेंट में पहले दिखा चुका है उसको। उसके बिहाफ पे हमारे बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रताड़ना करा जा रहा है। अलग अलग तरीके से कभी रिजल्ट रोका जाता है, कभी उन्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता है। तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर हम एप्लीकेशन लगाते हैं, हमें वो मिल जाता है और हमारे बच्चों के पेपर हो जाते हैं। बट मेंटली और फिजिकली हमें टॉर्चर किया जा रहा है। कल हमें पता चला कि हमारे जितने बच्चे लोगों ने एनुअल चार्ज नहीं दिया है, जो कि स्टे में है, अभी उस पर प्रशासन का कोई सही तरीके से कोई कानून नहीं बना है, कोई नियम नहीं आया कि हमें देना है या नहीं देना है, ये भी जानते हैं। तो हमें क्या है स्कूल में? अब कल हमें बुलाया है रीटेस्ट के बहाने, ये रीटेस्ट होगा, आपके बच्चे फेल हो गए। जो 9 CGP लाते थे वो बच्चे फेल हो गए अचानक से, और उन्हें जबरदस्ती फेल करके ये कहा जा रहा है कि बच्चे फेल हो गए हैं, अब आपको रीटेस्ट या कॉपी देखना तभी दिया जाएगा जब आप एनुअल चार्ज दोगे, वो भी हार्ड कैश। हमें बुलाया गया और 2.5 घंटा वेट कराने के बाद हमको ये बोला गया आप सिंगल पेरेंट्स अंदर आएंगे रूम में। हम लोग अंदर गए, हमने बात करना शुरू करा तो उन्होंने सबसे पहले तो हमसे ये बोला कि आपके बच्चे का बैग आया है और आपको रीटेस्ट कराना होगा। हमने कहा कौन सा सब्जेक्ट है, तो हम नहीं बताएंगे जब तक आप एनुअल चार्जेस हमें नहीं दे देते, और वो भी देंगे कैश। ये बात हमारी हुई थी और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपने फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हो। एकदम से एक टीचर ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और वो फोन दूसरे टीचर ने अपनी साड़ी में छुपा लिया और मुझसे रिकॉर्डिंग, जबकि रिकॉर्डिंग तो कुछ हो ही नहीं रही थी। और मैंने कहा मेरा आप फोन वापस करिए, तो उन्होंने फोन नहीं दिया। मैंने कहा अगर रिकॉर्डिंग में कर भी रही थी तो रिकॉर्डिंग तो आपके यहाँ भी हो रही है, क्योंकि आपके में भी कैमरा लगा है। तो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे गार्डों ने हमें धक्का मार के निकाल रहे थे। पहले तो टीचरों ने करा, उसके बाद गार्डों ने धक्का मार के हमने निकाला। 20 से 25 स्कूलों में एनुअल फीस को लेकर काफी तनातनी हो रही है, लेकिन कोई हल फीस की समस्या का नहीं निकल पा रहा है, जिससे परेशान छात्र और पेरेंट्स अनशन पर जाने की बात कर रहे हैं। न्यूज़ ब्यूरो।